अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाया सूप बनाने की रेसिपी, जो कि एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस सूप है, और ख़ास तौर से इसको सर्दियों में पिया जाता है। ये हमारे जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, किसी को अर्थराइटिस है तो ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसी के साथ ये विटामिन ए और आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ में ये वेट लॉस में भी मदद करता है। तो चलिए देखते हैं इस हेल्दी सूप को हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर पाया सूप बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने बकरे के पाए लिए हुए हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। अगर आप ये सूप हड्डियों के लिए बना रहे हैं, यानी कि जोड़ों की ताकत के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप पायो का वो हिस्सा लीजिएगा जो जोड़ वाला है, यानी कि हड्डी गुड्डी वाला हिस्सा लीजिएगा। बूचर से बोलिएगा हड्डी गुड्डी दे, तो वो आपको यही हिस्सा देगा। इसमें आपको मीट तो ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन इसमें बोन मैरो बहुत पाया जाता है, जो कि हड्डियों की ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप किसी अर्थराइटिस पेशेंट के लिए बना रहे हैं, या फिर जोड़ों के दर्द वाले इंसान के लिए इसको बना रहे हैं, तो फिर आप हड्डी गुड्डी का इस्तेमाल करिएगा, वरना आप सिंपल पाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो ये दो छोटी प्याज है मेरे पास। अगर आप मीडियम साइज़ के ले रहे हैं तो फिर एक ले लीजिएगा। इसको हमें चॉप करके इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ चॉप करके, और 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन इस्तेमाल करेंगे। और बस मैंने यहाँ पर एक ही हरी मिर्च ली है। मैं यहाँ पर बहुत कम हरी मिर्च डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको तीखा सूप पसंद है तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। वैसे हम इसमें काली मिर्च भी ऐड करेंगे, तो हरी मिर्च कम ही डालें तो बेटर है, वरना बहुत तीखा सा हो जाएगा। और ये मैंने आधा टीस्पून नमक लिया है, और 1/3 टीस्पून हल्दी लेंगे, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 तेज़पत्ता लेंगे, 10-12 काली मिर्च लेंगे, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची लेंगे, और 4-5 लौंग लेंगे। तो चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी गरम कर लिया है। आप चाहें तो मक्खन ले लें, या फिर आप रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैंने देसी घी लिया है। जब घी गरम हो जाएगा, हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे, और हल्का सा इन मसालों को हम सौते कर लेंगे, जिससे कि इनका फ्लेवर जो है वो घी में रिलीज़ हो जाएगा। अब हम डाल देंगे इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इनको मैंने रफली ही चॉप कर रहा है, बहुत फाइन चॉप नहीं करा है, क्योंकि बाद में हमें सूप को छानना होता है, तो इसको बहुत फाइन चॉप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, रफली ही चॉप कर लीजिएगा। और अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे, और बस मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, ना ही कलर बदलना है, सिंपली इसको सॉफ्ट करना है। 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें पाए डाल देने हैं। पायो को किस तरह से वॉश करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो इसकी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में दे दूंगी, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसी के साथ नमक और हल्दी डालकर 1 से 1.5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। 1.5 से 2 मिनट के लिए पायो को मैंने फ्राई कर लिया था। अब हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि हम सूप बना रहे हैं तो पानी तो ज़्यादा जाएगा, तो हमें पानी इतना डालना है जितने पाए हैं उसकी क्वांटिटी का 4 गुना ज़्यादा। तो मैंने 250 ग्राम पाए लिए थे, तो मैंने इसमें 1 लीटर यानी कि 4 कप पानी डाला है। अब हमें इसमें इसकी लिड लगा देनी है, और इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने देना है। जब इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है, और लो फ्लेम पर इसको 30 से 35 मिनट पकाएंगे। हमें यहाँ पर पाए को बहुत अच्छे से गलाना होता है, इसलिए इसको देर तक गलाना होता है। लो फ्लेम पर मैंने यहाँ पर इसको 30 से 35 मिनट के लिए पका लिया था। जब इसका प्रेशर खुद से निकल गया, तब हम इसको खोलेंगे, और ये देखें ऑलमोस्ट हमारा पाया सूप बनकर तैयार है। लेकिन अभी हमें इसको छानना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, एकदम परफेक्ट है। तो 1 लीटर पानी एकदम परफेक्ट था। अब हम इसको छान लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे, और इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी, और इसमें हम अपने सूप को छान देंगे। अब हमें यहाँ पर इसमें से ये जो पाए के पीसेस दिख रहे हैं, इनको अलग कर लेना है, और जो नीचे सूप है उसको अलग कर लेना है। तो इस तरह से हम जो जितने भी पाए के पीसेस हैं इसको निकाल लेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारी प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह है, इसको हम स्पैचुला की मदद से प्रेस कर करके इसके सारे जूसेस निकाल लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पाए में। और अब हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च, थोड़ी सी मैंने बचा ली है, जब मैं सर्व करूँगी तो ऊपर से गार्निश करूँगी। इसी के साथ हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और इसको मिला देंगे,
और इधर ये जो हमने पाए निकाले हुए हैं ये हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टेस्ट और फ्लेवर होता है। और ये हमारा सूप जो है ये बनकर तैयार हो गया है। वहाँ पर हमारा बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस और डिलीशियस पाया सूप बनकर तैयार है। जब हड्डियों को पकाया जाता है तो इसमें से कॉलेजन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन और ग्लूटामाइन जैसी चीज़ें सीक्रेट होती हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और ये जो सूप है ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है। किसी को फूड एलर्जी हो गई है तो ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, जोड़ों को भी मजबूत करता है और बॉडी को हेल्दी रखता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया और काली मिर्च गार्निश करूँगी और बस अब हमें इसको सर्व कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पाया सूप की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर से इस हेल्दी, न्यूट्रिशियस और डिलीशियस सूप को ट्राई करिएगा और इन सर्दियों में तो इनको बनाना मस्ट है क्योंकि ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।